मिड टर्म है लगातार, ऐसे तो होना तो लैपटॉप पे ही है, लेकिन आप सोच लोगे चीटिंग मार लेना। मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे अपॉइंट कर दिया है। Hey guys, welcome back to a new vlog. आज 17th of February और यार सुबह कॉलेज जाने के लिए निकल गया। सैटरडे है, क्लासेस नहीं, अब मिड टर्म्स है भाई, दो मिड टर्म है लगातार। कोई ना, लेकिन एक ओपन बुक है, एक क्लोज बुक है, पर टेंशन वेंशन है नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लिया अपन ने फुल ऑन, इसकी नहीं होती, 1160 की होती है, उसको टेंशन। तो अब ना कॉलेज जा रहा हूँ, पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात ना मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, काम और कुछ कर रहा था मैं, तो पूरी रात में सोया ना, कोई नींद भी खाने का आ रही है। पर चलो कोई ना, बस मिड टर्म्स या दो दो घंटे के देके निकल जाएंगे अपना, ये सब सीन है। चलो यार कॉलेज चलते हैं अपना पहले। ठीक, अच्छा मैं कॉलेज तो आ गया हूँ, अभी मिड टर्म ही है अभी, तो अपना सीधा अंदर ही चलते हैं। मैं को लगता है गंगा सिंह भाजी भी अंदर ही बैठे होंगे, तो अपना सीधा अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई मिड टर्म देखते हैं कैसे जाता है भाई, एक तो निपटे ठीक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, सेटिंग शूटिंग करते हैं तब तक अंदर चल के। तो वैसे फाइनली हमारा मिड टर्म तो हो गया भाई, भाजी भी आ गया देख लो आज, तो अपना मिड टर्म फाइनल नहीं पड़ गया, अच्छा गया भाई, बढ़िया हो गया, खुशी खुशी हो गया, और सब दूसरा भी ऐसी खुशी खुशी हो जाए तो बढ़िया है। बाकी यार अभी हम टाइम जा रहे हैं, भूख लगी हुई है भाई काफ़ी, मतलब मेरे को इतनी है नहीं, मैं सुबह खा के आया था भाजी, आप खा के नहीं सुबह, अभी भाजी को ज़्यादा भूख लगी हुई है। बाकी देखते चलते हैं, एक चिपटी तो मैं ले ही लूँगा, हर बार का ही है मेरा, तो मैं अभी टाइम चल गया यार, फिर वापस चले नहीं कॉलेज, फाइनली हम टीम से वापस तो आ गया। और भाई यही क्लासरूम है जहाँ हमारा पेपर होना है, वैसे तो होना तो लैपटॉप ही है, लेकिन आप सोच रहे होगे चीटिंग मार लेना। भाई चीटिंग कैसे मारे बंदा, खूब बताओ। एक तो सर, एक तो भाई है मतलब हमसे 3-4 साल बड़े, और सर को सारी टेक्निक पता है, यूँ करते हैं, सर ने हमें बता भी दी थी, तो वो मतलब पॉसिबिलिटी रूल आउट ही कर दो भाई, प्लेज पड़ जाएगी। ऊपर से भाई ऐसे क्लासरूम है, अगर सर मान ले गंगा सिंह की जगह खड़े हो गए, ठीक है, क्या रह जाएगा भाई हमारा, और इसलिए हम ज़्यादा टेंस दें, और ये क्लोज बुक है भाई, तो अब सर की नज़र यहाँ से हर एक लैपटॉप पर होगी, तो इसलिए मतलब वैसे भी यार मतलब मेरा ऐसे मानना है, अगर पेपर में जा रहे हो तो ऐसे सोच के जाना चाहिए चीटिंग करेंगे, होगी अलग बात है, और ऐसे सोच के नहीं जाना चाहिए भाई कि चीटिंग के भरोसे जा रहे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। बाकी चलो हम पढ़ लेते हैं भाई, मेरे ख्याल भाई कितने 45 मिनट है, बस 45 मिनट, 1 घंटा ही है, उसके बाद इम्तिहान की घड़ी है। सर ने बोला है वैसे करने वाला घंटे में कर लेगा, ना करने वाला 2 घंटे बैठा रहेगा, देखते हैं हम किस कैटेगरी में जाते हैं। तो वे वैसे ना हमारे फिक्स है, अगर हमसे नहीं भी होता हम तब भी घंटे में निकल जाएंगे। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं भाई, मिलते हैं आपसे फिर पेपर के बाद। A few moments later. तो वैसे हमारा मिड टर्म हो गया भाई, भाई सच बता रहा हूँ मेरा तो थोड़ा औखा ही कटा है, पाजी का अच्छा हो गया, ऐसा पाजी कह रहे हैं अच्छा ही होता है इनका तो वैसे भी, और मेरा कोई पता पुता नहीं है कितना है, देखते चलो हो गया भाई, निपट गई रीडिंग ब्रेक ऑफिशियल स्टार्ट। यस भाई इधर आ जा सर, फिर बोल देंगे उधर पेपर चल रहा है सर, हमें मंडराने भी नहीं दे रहे, हम पहले बातें कर रहे हैं, भगा दी सर ने हमें, तो अब हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी सर से मीटिंग है यार, एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमारे ग्रुप में कोई इशू चल रहा था, तो फिर हमें सर को अप्रोच करना पड़ा, तो मीटिंग है हमारी, आधे घंटे सर पहले नहीं होंगे, तो बाद में मिलते हैं सर से। अब पाजी क्या प्लान है, सब कुछ प्रेजेंटेशन आप देना, मैं पीछे बैठा डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, बढ़िया भाई हम करते हैं भाई, आज पाजी ने टाके जाने हैं काम सारा, तो मैं देखते हैं यार, पहले तो सर की वेट करते हैं। सुबह यार अपनी पहली मीटिंग समाप्त हो गया भाई, कुछ नहीं निकला इस मीटिंग में, मैं सच कह रहा हूँ, जहाँ हम 2 हफ्ते पहले थे वहीं आ रहे रखे हैं, वो इनका एपीआई डिसाइड नहीं होती, थोड़ा स्केड्यूल तो भाई चलो ठीक है, पर भाई मैं सच कह रहा हूँ, मतलब इन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे अपॉइंट कर दिया है, बड़ा औखा है भाई, 4 बंदे हैंडल करना भी होते ही नहीं, 4 ही सेट नहीं हो रहे हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है भाई, औखा ही है इनके साथ, चलो कोई ना, लेकिन बंदे बड़ी हैं भाई, एटलीस्ट ना सुनते हैं वो ठीक है, अपनी नहीं झाड़ते, तो बढ़िया चलो ऐसी कोऑर्डिनेशन से चलता रहेगा, पर अब तो कंसिस्टेंट मीटिंग सेटअप करनी पड़ेगी, आज कुछ हमने कड़क फैसले लिए मीटिंग में, ये तो मानना पड़ेगा कुछ कड़क फैसले तो लिए गए हैं, ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है, अभी तक देख लो हमारा प्रोजेक्ट बनाना किस पे वो डिसाइड नहीं हुआ है। मैंने आज चेक किया 20 जनवरी को स्लैक का चैनल बना था, 17 फेब हो गई है, प्रोजेक्ट को टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, देख लो भाई, चलो बाकी यार हम दोनों अभी बेल नहीं है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया हम ना मेट्रो टाउन जा रहे हैं घूमने, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं ऐसे मॉल में घूम लेंगे, ठीक है, और करने के अब बेले तो हो ही है भाई, मतलब वैसे तो प्लान था अच्छी खासी लंबी मीटिंग चलेगी, कुछ हो ही नहीं रहा था, तीनों बैठे हुए थे अपने अपने लैपटॉप पे, मैं ही बोला मैं कहा टाइम ले लो मंडे मिलेंगे, मीटिंग कैंसिल फिर मान ले, तो बाकी फिर हम निकल ही गए, चलो
अब ना मेट्रो टाउन चलते हैं सीधा। तो वैसे हम मेट्रो टाउन मॉल तो आ गए हैं, और भाई आते पाजी को भूख लग गई है। वैसे हम ज़ारा घूम चुके हैं, पाजी की खाने की इच्छा हो रही है, पाजी फूड कोर्ट वहाँ पे है, तो मैं पाजी को लेके जा रहा हूँ। मैं बथेरा मना कर रहा हूँ, मैं कहा रहने दो सुबह टीम खा लिया, पाजी कह रहे कोई नहीं, मैं कहा चल लो भाई। और इसके बाद हमने विनर जाना है यार, ऐसे तो टहल ही रहा, मतलब उसने रीडिंग ब्रेक शुरू हो गया, बेले हैं घूम ही जा रहे हैं बस ऐसी, तो खा पी के एक बार फूल होकर जाएंगे। देख लो अभी फूड कोर्ट जाना है, इतनी डिशी चिप्स खानी है, सोच विचार कर लो, दोनों पुठे पास से हैं, सोच ही लेते हैं आगे पाजी, सोच ही लेते हैं, होता पाजी होता कोई नहीं। बाकी यार ऐसा चलो फूड कोर्ट चले, फिर चलो चलो पाजी को फूड कोर्ट ही लेके जा रहा हूँ भाई, अब मैं लगेंगे पाजी के अच्छे खासे। कोई ना यार, अब बाहर घूमते भाई लगती है पाजी, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। और क्या, अभी मैं मना कर रहा हूँ वहाँ पे, आप बिल कटाओगे मैं भी अपना कटाऊंगा, देख लेना, तभी तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, देखो आपकी थोड़ी पड़ी है, सोच तो मैं अपना रहा हूँ। ऐसे है भाई, चलो अपना फूड कोर्ट चलते हैं पहले, खाई पिए तो ऐसा फाइनली खाना खुना हमने खा लिया भाई, फूट लॉन्ग खाया भाई हमने, भूख बहुत लगी हुई थी भाई, तो हमने दो मिनट फूट लॉन्ग खा लिया सब्बे का। फ़ोन भी मैंने चार्ज कर लिया भाई, पता है आपको बैटरी कैसे आपको तो पड़ते ही, तभी मैंने ब्लॉक ब्लू नहीं है, मैंने चार्जिंग पर लगा दिया था। अब हम जा रहे हैं सीधा भी नर्स या पता नहीं कौन से स्टोर जा रहे हैं, अब तो चार्ज हुआ भाई। ये ना हम पहले ज़ारा गए थे, ऐसे घूम रहे थे, मैं कहा क्या हो गया आपको, अब सुबह थोड़े चार्ज हो गए हैं, तसल्ली से घूम सकते, अब हम कब बंद होते हैं ना जी, बस बढ़वा के निकलेंगे, ठीक है। आज हम पूरा घूम रहे हैं ब्लॉक, काफी बड़ा स्टोर है भाई, काफी अच्छे ज्यादा बड़ा स्टोर है। और भाई सेल में आपको थोड़ा आइडिया ही दूं, कोलंबिया मैं आपको यार ब्रांड्स का थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे कोलंबिया की यहाँ पे कोई जैकेट नहीं है यार, मैं आपको सच उसकी दिखाता हूँ, कैल्विन की, तो भाई आपको थोड़ा यहाँ का आइडिया लगेगा। ओरिजिनल टैग भी लगी हुई है, उस पर लिखे 200 की है, ये लोग पता नहीं कैसे बेच रहे भाई, देखो ये 100 की बेच रहे हैं, इसका ओरिजिनल टैग होएगा यहाँ पे कहीं बीच में लगा हुआ है यार, ठीक है, उस पर लिखा है इतनी महंगी है, ये लोग पता नहीं भाई कैसे बेचते हैं, अलग ही है। यहाँ पे सेल तो काफ़ी बढ़िया है, पर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम निकल रहे हैं भाई, सरी सेंटर वाले बिजनेस जा रहे हैं, वैसे भी हमने निकलना ही था, बच्ची पैरों में आ गई थी, हाँ तो हमें वैसे भी निकलना ही था मतलब, ठीक है, पर हम टैली जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सर्विस सेंटर भी चल लेते हैं, जब आगे कुछ मिल ही नहीं था तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब भाई बैठ भी जाएंगे थोड़ा भाई, क्योंकि सोए तो है नहीं है, अब भाई लाते दूखने लगी है, तो घूमते घूमते भी पाजी की तो बुरी हालत हो रही है, रहने दो, चलो H&M चलें फिर, H&M चलते हैं, चलो पाजी को फिर आते हैं, चलो H&M चलते हैं, ठीक है, बाद में सर्विस सेंटर चलेंगे फिर, पैसा सर्विस सेंटर हमारा कैंसिल हो गया था भाई, हम ना चलते चलते ओल्ड नेवी आ गए थे, 50% सेल थी भाई। हमें बूट कट जीन मिली है यहाँ से, सॉरी स्ट्रेट फिट ये मिली अपने को, 40 की थी 25 की मिलेगी, तो मैंने उठा ली, मेरे को चाहिए थे जींस यार, मैंने उठा लिया, उसकी बिलिंग कराते हैं, फिर दूसरे स्टोर घूमते हैं। अच्छा फाइनली हम मॉल से बाहर निकले हैं, और भाई हमने मतलब उसके बाद कौन से ओल्ड नेवी सी ली थी, उसके बाद हम घूमे थे काफ़ी ब्रांड्स, पर कोई सेल सुल थी नहीं, ओल्ड नेवी जो चीज़ बढ़िया लगी थी हमने वही ले ली भाई। बस हो गई है दोनों की, लिटरली बस हो गई है, पाजी तो बीच में बैठने भी लग गए थे, तो मेरी भी हो रखी है भाई, क्योंकि नहीं है हिम्मत भाई। हाँ जी बोलो कुछ तो, हाँ यार लैपटॉप लुपटॉप और अच्छा है, बुरी हालत हो गई अब तो, अब सीधा घर ही निकल रहा है भाई, अपना चलते हैं सरी साइड, घर जाके आराम रूम करें, खाना खूना खाएं, चलो पेट तो भरे ही हुआ है, पर आराम रूम करें, मैं जाते सोने वाला हूँ भाई। तो ऐसा मैं घर तो आ गया था, अब बुरी हालत हो गई, थकावट हो रखी है सबसे ज़्यादा, नींद तो आ रही है, तो भाई मैं तो सोने का प्लान ही है, कल शिफ्ट भी है, तो अपना कल ओपनिंग है मेरी, तो अपना देखते हैं, ठीक है, मैं बस सोने लगा हूँ। और यार एक लास्ट चीज़ जाते रहते भाई, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भी उसका बता दो जॉब जॉब का भाई, रेफरेंस डाल दो कहीं। यार मैं सच बताऊँ भाई, मैं खुद सच में जिन्होंने ये सब पूछा होगा पता होगा भाई, मैं भी घंटों के लिए रो ही रहा हूँ भाई, मेरे को भी जॉब नहीं है, जहाँ मैं करता हूँ भाई वहाँ पे घंटे नहीं मिलते, क्योंकि स्लो सीजन है, ठीक है, तो मैं कोई नहीं मिलते भाई, लेकिन मेरे पास लिटरली सही में कोई रेफरेंस नहीं है भाई। आप अप्लाई करते रहो और लोग कहते कि हमने इतनी जगह अप्लाई कर दिया उतनी कर दिया, यार आई नो भाई सिचुएशन ऐसी ही है यार, क्या करें भाई, ठीक है, आपको थोड़े निकल के हाथ पैर मारने पड़ेंगे भाई, तो भाई सॉरी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी लंगारा को लेके कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, जरूर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी अपना आज के ब्लॉग को यही एंड करता है, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।